हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। ये MBNR एक्स रोड से लेके पीली जरा का तक हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान मैं क्या नोटिस किया कि छोटे माइनर बच्चे ट्रिपल राइडिंग, फोर राइडिंग करते हुए सामने का पहिया उठाना, ब्रेक मारना, स्टैंड नीचे लगाना, आग निकालना वगैरह कर रहे थे। जिसकी वजह से हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ पे व्हीकल चेकिंग करना पड़ा। व्हीकल चेकिंग में हम लोग जो फैमिली के साथ आ रहे हैं और जो डबल राइडिंग में आ रहे हैं उनको नहीं रोक रहे। जो माइनर्स है और जो नौजवान बच्चे हैं उन लोग को रोक रहे और लोग को चेक करें, लोग लाइसेंस चेक करें, लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करें, लोग नंबर प्लेट्स है नहीं है चेक करें। बस हमारा मकसद सिर्फ यही है कि रोड एक्सीडेंट में किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। सर, ये जो अभी चेकिंग कर रहे हैं आप, उसके ऊपर कुछ केसेस कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहा है कुछ, लोग केसेस बुक करेंगे क्या? ऐसे आप लोग जो बिल्कुल नंबर प्लेट जिसकी नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो चोर गाड़ी हो सकती है उसको तो डेफिनेटली ट्रेन का, और जो जो व्हाट्सएप पे भी अपना रजिस्ट्रेशन बता दे रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होना, बल्कि वो लोग छोड़ दे रहे हैं। अभी तक कितने गाड़ियाँ पकड़े थे? हम लोग मोर देन 100 पकड़े। हम लोग लास्ट 2-2.5 घंटों से क्या बोलते हैं यहाँ पे व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। जब से हम लोग देखे कि यहाँ पे फ्लो ऑफ व्हीकल ज़्यादा है, हम इमीडिएटली व्हीकल चेकिंग शुरू कर दी। तो ये आज एक दिन ही रहेगा या आगे भी आपका मिशन रहेगा? ये व्हीकल चेकिंग तो एवरी डे चल रहा है। एवरी डे हमको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 टाइमिंग मिलती, टाइमिंग के हिसाब से हम लोग डेली कर रहे हैं। लेकिन आज क्या है, व्हीकल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है ये टाइम पे, और जिसमें नौजवान ज़्यादा है, माइनर ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं रोड रेज को रोकने के लिए व्हीकल चेकिंग। हमारे बच्चे जो है इबादत ही करने के बजाय रोडों पर जो है गाड़ियों में कटा मार रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों को रास्ते में जो इबादत करने जा रहे हैं या ज्यारत करने जा रहे हैं बारगाह की, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं नौजवानों से बिल्कुल गुजारिश करता हूं कि इस मुकद्दस रात का एहतमाम करें, इबादत करें और लोगों को राहत पहुँचाए, ना कि जो है तकलीफ। मौके पर पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को जो है इसलाह करने के लिए जो काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसा कि शबे मेराज की अरदास है कि रात में इबादत करना चाहिए या गाड़ी लेके वाइकल पे जो कर रहे हैं वो सही है, क्या करना चाहिए इसका पहले मतलब बताइए आप। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद जो है कि नमाज जो है रात के, आज के रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मेराज अता की गई है। मेराज क्या है? मोमिन की मेराज नमाज है, नमाज कायम करना चाहिए और आज की रात जो है इबादत करना चाहिए, ना कि जो है रास्ते में चलने वालों को लोगों को तकलीफ देना। अब आप ये बोलिए, ये जो पुलिस अपना काम कर रही है ताकि ये बारकस रोड पे यहाँ पे तमाम इंस्पेक्टर्स और SIs को लेकर SPB साहब जो फलक नुमा एम रशीद साहब है, ये जो यहाँ पे व्हीकल चेकिंग कर रही है, क्या ये सही कर रही है या गलत कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि पुलिस हमारे पे जुल्म कर रही है, गाड़ियों को रोक रही है, तो ये किस हद तक सही है या गलत है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मौके पर पुलिस की जानिब से जो इकदाम किया गया है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए कि जो बच्चे माइनर से यानी जो 18 साल से कम उम्र के हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है, तो उसी के लिए बच्चों को चेकिंग की जा रही है। जो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है उसकी चेकिंग की जा रही है, मजीद इसके हद के कोई और काम तो नहीं हो रहा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर।